रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है, फिर भी हार्दिक ने कप्तान बनते ही उनके साथ बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फील्डिंग के लिए उन्हें बाउंड्री पर दौड़ाते हुए नजर आए, जिसको देखने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पहली बात तो हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 90% जीता हुआ मुकाबला हार गई और रोहित के साथ यह घटिया हरकत के बाद तो हर कोई आज से देख रहा है। इस बीच हार्दिक पांड्या की फटकार लगाते हुए रतन टाटा ने भी बड़ा बयान दिया है, तो चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा टाटा ने। लेकिन अगर आप भी रोहित को चाहते हैं कि कप्तान बनाए जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में काफी ज्यादा ऐसे मोमेंट देखने को मिले जो कि कमरे में कैद हो गए। हार्दिक पांड्या इस साल मुंबई इंडियंस के लिए वापसी कर कप्तानी कर रहे थे, लेकिन टीम के सबसे सीनियर और जिम्मेदार खिलाड़ियों में से एक रोहित शर्मा के साथ उनकी घटिया हरकतों ने सभी का खून खोला दिया। बाउंड्री पर रोहित शर्मा के साथ भेजने का वह सिलसिला काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, रोहित शर्मा को लगातार पांड्या आदेश देते रहे और इधर से उधर भगाते रहे। इतना ही नहीं, अंत में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिला सके बल्कि कप्तानी का रोप सभी के ऊपर जताते हुए नजर आए। रोहित शर्मा भले ही कुछ ना कह पाए हो, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ बयां कर गया। इस बीच रतन टाटा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि रोहित आईपीएल में ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के कप्तान होने के साथ पूरे देश की शान है। उनके कंट्रीब्यूशन को बुलाया नहीं जा सकता, देश के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने टीम की पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया था, लेकिन आईपीएल में युवा खिलाड़ी उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहित आज भी कैप्टनसी और बल्लेबाजी दोनों में ही हार्दिक से बेहतर है, लेकिन फिर भी हार्दिक के कप्तानी में उन्होंने खेलने से इनकार नहीं किया। हार्दिक का व्यवहार पूरी तरह से गलत है और मुझे लगता है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट और नीता का हाथ रहा है। जब रोहित सबसे सफल कप्तानों में से एक है तो उन्हें कप्तानी से हटाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि अगर ऐसे ही रहा तो अगली साल मैं भी आईपीएल की एक टीम खरीदकर रोहित को कप्तान बनाने का विचार कर चुका हूं। इस तरह से रतन टाटा ने यह साफ कर दिया है कि रोहित अगले साल फिर एक बार कप्तान के रूप में देखेंगे, लेकिन यह बात साफ नहीं है कि मुंबई इंडियंस के होंगे या फिर किसी और टीम के। वैसे आप सभी टाटा जी की फैसले से सहमत है या नहीं कमेंट सेक्शन में बताएं।